ये हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर याद होगा आपको, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर। अभी मैं चैप्टर नंबर 2 के मतलब चैप्टर नंबर 4 के टॉपिक पर पहुंच रहा हूँ कि जहां से हमने पढ़ना स्टार्ट करना है। यहाँ से हमने पढ़ लिया था, ये हमने पढ़ लिया था SNR तक ना, सिग्नल टू नॉइज रेशियो तक हमने पढ़ लिया था। ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज का हमारा लेक्चर तो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, बहुत छोटी सी कुछ बातें हैं इसके अंदर। टॉपिक क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। जो मार्क किया हुआ मैंने, राइट क्लिक जो किया हुआ एक्चुअली ये वो किया है टॉपिक्स जो कोर्स रिडक्शन के बाद बच गए, ठीक है। तो जो मार्क किया हुआ ये वो टॉपिक्स हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक कम्युनिकेशन सिस्टम में 4 से 5 कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, जिनके बारे में मालूम होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कम्युनिकेशन सिस्टम हैज फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स एज शोन इन फिगर। नंबर 1 आपको नजर आ रहा है इसके अंदर एक मैसेज। वो मैसेज तो वो है जो एक्चुअली ट्रांसफर होगा, ये वो डाटा है जो ट्रांसफर होगा किसी भी फॉर्म में, किस किस फॉर्म में। ये पिक्चर हो सकती है, ये टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, ये वॉइस हो सकती है, ये एनिमेशन हो सकती है, ये सिंपली कोई सिंबल्स हो सकते हैं, कोई अल्फाबेट्स हो सकते हैं। किसी भी तरह से आप डाटा ट्रांसफर करते हैं वो आपका मैसेज कहलाता है। तो पहला कॉम्पोनेंट तो ये है, इट इज द इंफॉर्मेशन और डाटा टू बी कम्युनिकेटेड। ये वो इंफॉर्मेशन है, वो डाटा है जो कम्युनिकेट होगा इस नेटवर्क के ऊपर। कॉमन फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन include text, numbers, pictures, audios and videos. ये normal तरीका है हमारे पास अपने messages convey करने का। text की form में भेज देते हैं हम type करके, numbers में भेज देते हैं, pictures में भेज देते हैं, audios होती हैं या videos होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले component the message. Number 2 the sender. Sender कौन होता है? वो शख्स या वो मशीन या वो computer या वो mobile phone जिससे ये data या message चलता है किसी और जगह पहुंचने के लिए, ठीक है। तो वो सेंड करने वाला सेंडर कहलाता है, ओके। सेंड करने वाला सेंडर कहलाता है। इट इज द डिवाइस दैट जनरेट्स एंड सेंड्स अ मैसेज। इट कैन बी कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट एक्सेट्रा। कंप्यूटर हो सकता है, एक टेलीफोन हैंडसेट हो सकता है, ठीक है। उनके जरिए अगर डाटा कहीं और जाने के लिए रवाना होता है तो उसे सेंडर कहते हैं। रिसीवर अपोजिट एंड पे भी तो ये मैसेज कहीं ना कहीं पहुंचना होगा ना। तो जिस एंड पर ये मैसेज पहुंचता है वहां पे जो मशीन होती है, डिवाइस होती है, कंप्यूटर होता है, मोबाइल फोन होता है, उसे हम कहते हैं रिसीवर, ठीक है। एनी पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच हैज कैपेबिलिटी टू रिसीव डाटा इन फॉर्म ऑफ मैसेज, इसको हम रिसीवर कहते हैं। द लोकेशन ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम द सेंडिंग कंप्यूटर। आमतौर पर डिफरेंट होती है, मतलब बराबर बराबर दो कंप्यूटर रखे हो तो उनमें भी डाटा हम ट्रांसफर कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव। लेकिन यूजुअली दूसरा कंप्यूटर जो है डिफरेंट लोकेशन पे होता है, ठीक है। लाइक सेंडर इट कैन ऑल्सो बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, हैंडसेट एक्सेट्रा। जिस तरह मैसेज भेजने वाला सेंडर एक कंप्यूटर हो सकता है या एक मोबाइल फोन हैंडसेट हो सकता है या कोई और चीजें हो सकती हैं, उसी तरह रिसीवर भी यही सब कुछ या कंप्यूटर में रिसीव हो जाएगा या मोबाइल फोन में रिसीव हो जाएगा या और डिवाइसेस में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। मीडियम, ये मैसेज जब सेंडर से चलता है और रिसीवर तक पहुंचता है तो रास्ते में उसको कोई ट्रेवलिंग कराने के लिए पार्ट चाहिए जिसके जरिए वो ट्रेवल करके वहां तक पहुंचे जहां तक उसे पहुंचना होता है, उस रास्ते के जरिए को मीडियम कहते हैं। इट इज द चैनल और पाथ थ्रू विच द मैसेज इज कैरीड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। ये वो रास्ता होता है या वो चैनल होता है जिसके जरिए मैसेज एक सेंडर से निकलता है, सेंडर के पास से रवाना होता है और रिसीवर के पास पहुंच जाता है। Some examples include twisted pair cable. हमारे पास क्या है, अगर हम वायर्ड मीडियम की बात कर रहे हैं, केबल वाले मीडियम की, तारों वाले मीडियम की, तो हमारे पास twisted pair cable होते हैं, coaxial केबल होते हैं, रेडियो वेव्स होती है, ये वायरलेस की फॉर्म है। वेव्स जहां भी होंगी जाहिर है वो वायरलेस होगा ना, तो वायर्ड और वायरलेस दोनों मीडियम हो सकते हैं। अब आगे जाके आप पढ़ेंगे वायर्ड मीडियम क्या होता है, वायरलेस मीडियम क्या होता है, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन ही हो सकेगा क्योंकि वो आपके कोर्स में से काट दिए गए इस साल के लिए, ठीक है। The next thing is protocol. Protocol क्या होता है? Set of rules. जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो उस काम के कुछ उसूल पहले से तय करते हैं और उन उसूलों के सेट को हम कहते हैं प्रोटोकॉल।
कंप्यूटर में भी जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो उन दोनों के दरमियान एक सेट ऑफ रूल्स एग्रीमेंट होता है, दोनों एग्री करती हैं कि हम इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए डाटा को ट्रांसफर करेंगे एक दूसरे की तरफ। उस सेट ऑफ रूल को हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑन विच कंप्यूटर्स एक्सचेंज डाटा ऑन नेटवर्क। ये वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिन पे एग्री करने के बाद कंप्यूटर नेटवर्क पे डाटा ट्रांसफर करते हैं, सेंड एंड रिसीव करते हैं। सेंडर एंड रिसीवर्स फॉलो द सेम प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सेंडर और रिसीवर कंप्यूटर या मोबाइल फोन दोनों सेम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, दोनों एक खास उसूल पे एग्री करेंगे तो दोनों कम्युनिकेट कर पाएंगे ना, तो इसलिए सेम प्रोटोकॉल पे एग्री करते हैं और उसके बाद वो दोनों डाटा ट्रांसफर करने के काबिल हो जाते हैं एक दूसरे को। A protocol is an agreement between two parties or vendors using communication devices. यहाँ पे protocol का मतलब क्या है कि एक set of agreement, एक किस्म का agreement जो दो devices आपस में करती हैं और उस agreement के तहत ही उसको follow करते हुए वो दोनों devices एक दूसरे के दरमियान data को communicate करती हैं। ठीक है, तो protocol set of rules हैं जो devices को आपस में data transfer करने के काबिल बनाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें क्या है कि अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम अगर आप बनाना चाहते हैं भाई, कितनी उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, कितनी खास बातें उसके अंदर मौजूद होना जरूरी है। वैसे देखा बहुत सारे अहम फैक्टर्स हैं, लेकिन तीन अहम फैक्टर्स हैं जिनको हमने यहाँ डिस्कस किया है, और जाहिर है कि आपके कोर्स में जितना है उतना ही डिस्कशन करना काफी है आपके लिए। इंशाल्लाह जब आप एडवांस क्लासेस में कंप्यूटर पढ़ेंगे तो और कुछ नई बातें आपको मालूम होती चली जाएंगी इस बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम, एक कम्युनिकेशन गुड अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन बातें ऐसी हैं जिनकी बड़ी श्योरिटी हमें चाहिए होती है। कॉस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ बुनियादी खुसूसियात पर मुश्तमिल होना चाहिए, विच इंक्लूड डिलीवरी, टाइम पे डिलीवरी पहुंच जाए, डिलीवर हो जाए डेटा, सही डिलीवर हो जाए बगैर किसी एरर के हो जाए, इसके लिए। दूसरा, एक्यूरेसी एंड टाइमलीनेस। अभी क्या है मैं एक्सप्लेन कर दूं, डिलीवरी क्या है, मेकिंग श्योर दैट द डेटा इज डिलीवर्ड इज द फर्स्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन नेटवर्क। किसी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क की जो पहली अहम बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये होती है कि डेटा जो है वो सही तरह से डिलीवर हो जाए। द सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिलीवर डेटा इन करेक्ट ऑर्डर टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। सिस्टम की जिम्मेदारी है कि डाटा बिल्कुल सही फॉर्म में और सही जगह तक पहुंचाए, या ना भेजा किसी और को, पहुंच गया किसी और को। तो डिलीवरी प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर कंडीशन में पहली प्रायोरिटी होती है डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की, कि डाटा सही जगह पहुंच जाए। ठीक है, नंबर टू द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है कि डाटा बिल्कुल जिस तरह भेजा गया है उसी तरह पहुंचे, बीच में ऑल्टर ना हो जाए, किसी वजह से किसी जो ट्रांसमिशन मीडियम में नॉइजेस आती है उससे डिस्टर्ब ना हो जाए, डाटा इनक्रिप्ट ना हो जाए, शक्ल ना बदल जाए उसकी। इन द एंड होना यही है कि जो यहां से भेजा है वो अगले वाले को, जो रिसीवर है, उस तक पहुंचेगा और रिसीवर उसको समझेगा तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगी ना। तो लिहाजा डाटा बगैर किसी ऑल्टरेशन के, बगैर किसी डैमेज के वहां पहुंचना चाहिए, उसको कहते हैं एक्यूरेसी। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा एक्यूरेटली, डाटा दैट हैज बीन ऑल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड लेफ्ट अनकरेक्टेड इज नॉट यूजफुल। अगर किसी भी तरह वो डाटा ट्रांसमिशन के दौरान, यानी यूजर से निकल के सेंडर तक पहुंचने के दरमियान कहीं रास्ते में किसी वजह से ऑल्टर हो गया, ऑल्टर का मतलब होता है डाटा डिस्टर्ब हो गया, अपनी असल या ओरिजिनल कंडीशन में नहीं रहा, तो उसे ऑल्टर्ड डाटा कहते हैं। ऑल्टर्ड डाटा किसी वजह से भी हो सकता है, रास्ते में किसी ने टैपिंग कर रखी हो, हैकर्स तो होते हैं ना रास्ते में, तो किसी ने टैपिंग कर रखी हो डाटा पे और आपका डाटा वो अपने अपने पास लेकर आए, उसको चेंज करे, फिर दोबारा उसको सेंड कर दे उसी डेस्टिनेशन के लिए जहां के लिए जा रहे हैं, तो डाटा वहां पर ऑल्टर्ड पहुंचेगा। इसके अलावा जो सिग्नलिंग में, जो रास्ते में ट्रांसमिशन में नॉइज आती है, डाटा के मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंसेस होती है, अटेन्यूएशन आती है, नॉइज आती है, उससे भी डाटा डिस्टर्ब होता है। अच्छा, नॉइज शोर, हम उस चीज को, हर चीज को कह देते हैं जो डाटा के साथ साथ मिक्सअप हो जाता है और डाटा को खराब करता है। ठीक है, हम कहते हैं नॉइज आ रही है, ये नॉइज है। तो डाटा के साथ कोई भी ऐसा सिग्नल मिक्सअप नहीं होना चाहिए जो डाटा को डिस्टर्ब करते हैं। तो आपके रास्ते में अगर डाटा प्रॉपर तरीके से वहां पे पहुंच जाता है
और डाटा समझ में भी आ जाता है क्या डाटा भेजा था, मैंने रिसीव किया है और बिल्कुल वही समझा है मैंने जो आपने भेजा था, तो एक्यूरेटली डाटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब है डाटा आपने एक्यूरेटली ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, कंप्यूटर डाटा एक्यूरेसी चेक करने के लिए बहुत सारी चेक बिट्स लगाता है। जब कभी क्लास में तफसील से बात होगी तो मैं बताऊंगा क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पे बहुत लंबे लेक्चर होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर ध्यान में आए तो बताना पॉसिबल नहीं रहता, ताकि लेक्चर आपको प्रॉपरली मोबाइल पे पहुंच भी जाए, अपलोड भी हो सके और आप उसे डाउनलोड भी कर सके, ठीक है। फिर क्लास में दोबारा बात होगी तो मैं समझाऊंगा कि एक्यूरेसी वेरीफाई करने के लिए किस किस्म की चेक बिट्स लगती है, कंप्यूटर कौन कौन सी चीजें परफॉर्म करता है जिससे वो मुतमइन हो जाता है कि मैंने जो डाटा भेजा है वही डाटा वहां पहुंच गया है, रिसीव हो गया है, ठीक है। अच्छा जनाब, लास्टली है टाइमलीनेस, वक्त पर पहुंच जाना, ये बड़ा कमाल है। बाद का डाटा जो है उस वक्त पहुंचता है जब हम उसकी इस्तेमाल की जरूरत नहीं रहती, तो जब डाटा टाइम पे ना पहुंचे तो वो डाटा की इफेक्टिवनेस वो नहीं रही थी जो होनी चाहिए। अब आप कहेंगे एक फाइल मुझे पहुंचनी थी सुबह नहीं पहुंची, शाम को पहुंची, क्या फर्क पड़ता है। सर ये जो आप जो काम कर रहे हैं उसमें इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद का डाटा कंटिन्यूसली ऑनलाइन किसी प्रोसेस में इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर जिस वक्त डाटा चाहिए होता है उस वक्त अगर ना पहुंचे तो अगला प्रोसेस डिले हो जाता है, तो वहां पर टाइमलीनेस की इफेक्टिविटी आपको मालूम होती है कि कितना इफेक्टिव होना चाहिए था कि टाइम पर डाटा पहुंचता तो आगे वाला प्रोसेस डिले नहीं होता या आगे वाला प्रोसेस जाया नहीं होता। तो वो बात इस उस वक्त समझ में आती है जब इस तरह का कोई प्रोसेस चल रहा हो। तो डाटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन अ टाइमली मैनर, लेट डिलीवर डाटा इज यूजलेस। डाटा बिल्कुल टाइम के हिसाब से पहुंचना चाहिए, और अगर आपने लेट डिलीवर किया है तो डाटा आमतौर पर अक्सर वो यूजलेस डाटा हो जाता है, यानी जिसको जरूरत थी उसको नहीं मिला तो अब कोई फायदा नहीं। मुझे बुखार था, मैंने पैनाडोल मंगाई किसी से, बुखार उतर गया, वो पैनाडोल लेके आ रहे हैं, अब किसी काम की है मेरे नहीं ना। पैनाडोल अपनी जगह एक्टिव है लेकिन इस रोल मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि मुझे बुखार में खाने की बात समझ में आ रही। इसी तरह ये डाटा देखिए टाइमलेस, टाइमलीनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, अगर टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो वो डाटा हमारे लिए यूजलेस होता है। यहाँ तक ये छोटे छोटे दो टॉपिक्स है, इसके बाद देखिए काट दिया उन्होंने ट्रांसमिशन मीडियम। तो अब ये ट्रांसमिशन मीडियम गाइडेड और अनगाइडेड, यानी केबल के जरिए किस तरह जाती है और फिर वाईफाई और ये वेव्स के जरिए किस तरह जाता है, बड़ा मजेदार टॉपिक है, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में से काट दिया गया लिहाजा इसको ना पढ़ा सकते हैं ना दिखा सकते हैं, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। मतलब पढ़ा भी सकते हैं दिखा भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि चीजों की बच्चे के वास्ते पहले ऑब्जेक्शन आ जाती है, सर ये तो कोर्स में नहीं क्यों पढ़ा रहे हैं, तो बेकार सा लगता है कि अगर आपको जरूरत से ज्यादा इल्म देने की कोशिश करें सामने वाला कहे मेरा हजम ही खराब है तो मुझे इतना ज्यादा ना पढ़ाया जाए तो फिर अजीब सा रिस्पॉन्स लगता है। इसलिए भी फिलहाल को छोड़ दिया गया, अगर बाद में कभी ऐसी जरूरत महसूस हुई कि हाँ ये चीजें कोर्स में पढ़ानी जरूरी है या ये कोर्स में हमने नई शॉर्ट किए हैं तो फिर आपको पढ़ा दी जाएंगी, कोई मसला नहीं। नोट्स भी आपके पास तकरीबन हर चीज के बने हुए मिल जाएंगे आपको, उसकी टेंशन नहीं। मतलब बोर्ड से क्या पॉलिसी आती है ये आपका मैटर नहीं है, जो पॉलिसी आएगी उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करवा के फिर आपकी बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ ही आपको बोर्ड के पेपर में भेजा जाएगा, इसलिए इस चीज की आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये भी आपको नहीं पढ़ाई जाएंगे। इस दफा स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, मोडेम क्या होता है, ब्रिज तो है ही नहीं इसके अंदर, हाँ ब्रिज नहीं है इसके अंदर, तो डायलप नेटवर्किंग, डीएसएल मॉडेम, आईएसडीएन मॉडेम ये आपको नहीं बताया जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको नहीं बताया जाएगा, यहाँ से शुरू किया जाएंगे दोबारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। यहाँ पे मैं हल्का से तारुफ करा के रोक दूंगा क्योंकि फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं उनकी बुनियादी बातें यहाँ पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में, और बताएंगे कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क क्यों बनाया जाता है, नेटवर्क के कितने कॉम्पोनेंट्स, नेटवर्क के लिए कौन कौन सी चीजें खरीद के आप नेटवर्क किस तरह फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा लेकिन कम से कम इतना जरूर होगा कि नेटवर्क का इंट्रोडक्शन मैं अभी करा दूं आपको और फिर अगले लेक्चर में वो चीजें डिस्कस कर लें। तो कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है, अ नेटवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स डिजाइन टू शेयर द रिसोर्सेज एंड डेटा, ठीक है। नेटवर्क इसलिए बनाया जाता है, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जब आपस में ज्वाइन कर लिए जाए तो नेटवर्क बनाते हैं, और उनका काम सिर्फ इतना है कि वो डाटा को शेयर करें या फिर रिसोर्सेज को शेयर करें। नाउ व्हाट इज द डाटा एंड व्हाट इज द रिसोर्स, ये भी जब इस चैप्टर में पढ़ने आएंगे तो आपको खुद समझ में आती जाएगी एग्जाम्पल्स के हिसाब से। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज द ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स डिजाइन टू शेयर द रिसोर्सेज एंड डाटा, ठीक है। आज के लिए इतना, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी पेज से स्टार्ट करेंगे, तो मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।